बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हाफिजाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फोर्थ लेक्चर फ्रॉम यूनिट नंबर 3, विच इज़ अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज के लेक्चर में हम पौधों में होने वाला रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में रेस्पिरेशन के बारे में कुछ पढ़ा है, वो ये कि रेस्पिरेशन एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है और ये फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट है। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज द एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इन लिविंग थिंग्स। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन जो है वो एक ऐसा अमल है जो कि लिविंग थिंग्स में एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, ताकत पैदा करवाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि पौधे जो हैं वो अपनी तैयार करदा खुराक, जिसको हम ग्लूकोज कहेंगे, उसको यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं और बनाते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। हेयर द वर्ड इक्वेशन शोज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये इन्होंने एक इक्वेशन लिखी है जिसकी मदद से आप रेस्पिरेशन के प्रोसेस को इजीली समझ सकते हैं। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लूकोज क्या है, प्लांट्स की फूड, उसको ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा गया, उसकी ब्रेकडाउन की, तो ग्लूकोज टूटकर तीन चीज़ों में कन्वर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है और एनर्जी को अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर लिया जाता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस इन टू डिफरेंट स्टेप्स। दीज स्टेप्स आर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। पौधों में जो गैसेस का तबादला होता है वो पत्तों में मौजूद जो छोटे छोटे होल्स हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, उनके ज़रिए से होता है। और ये जो गैसेस का तबादला है ये दो मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है और उन स्टेप्स के क्या नाम हैं, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स फोटोसिंथेसाइज एंड प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दे यूज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन वाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। दीज प्रोडक्ट्स आर यूज इन फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि दिन के वक्त पौधे क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और उसके बदले में वो बनाते हैं, पैदा करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को वो फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज करते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था एनर्जी के साथ साथ, इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में दोबारा से यूज कर लेते हैं। यानी ये रिसाइकलिंग में प्रोसेस चलता रहता है, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस एट द सेम टाइम हो रहे होते हैं। एट नाइट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स बट रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रात के वक्त पौधों में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है लेकिन रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं रुकता, ये एक मुसलसल अमल है। प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन रेस्पिरेशन। पौधे जो हैं रात के वक्त ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं और साथ में पानी प्रोड्यूस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सेल का एक ऑर्गेनेल है जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। यहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन एंटर हो रही है, ग्लूकोज जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है और बदले में क्या बन रहा है, वाटर, जो कि बाहर जा रहा है। इससे एनर्जी वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि बाहर रिलीज कर दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, यानी एनर्जी पैदा करने वाला सेंटर। उसकी वजह यही है कि यहाँ पर हो रहा होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इंसान की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बदले में पैदा होती है। इस वजह से जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होगा उस ऑर्गेनेल को कहते हैं पावर हाउस या एनर्जी हाउस ऑफ द सेल। ओके, डू यू नो इट इज एडवाइज नॉट टू स्लीप अंडर अ ट्री ड्यूरिंग नाइट बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस ऑक्सीजन इन द एयर। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि अक्सर ये नसीहत की जाती है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे ना सोएं, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है कि दरख्त जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है दरख्त के नीचे वाले एरिया में। क्योंकि ऑक्सीजन क्यों कम होती है, ऑक्सीजन क्यों कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे
पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर रहे होते, ऑक्सीजन पैदा होती है एज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी प्लांट से। और उसके अलावा ये कि रात के वक्त प्लांट्स रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी पैदा कर सकें। जब उनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो वो अपने इर्द गिर्द की एयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस दरख्त के नीचे वे सोया हुआ जो इंसान है, जब उसके इर्द गिर्द से भी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो एज अ रिजल्ट इंसान को घुटन होने लग जाती है, दम घुटने लगता है, सांस लेने में मसला होता है। इस वजह से कहते हैं कि रात को दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, ना पौधों के पास सोना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का उन्होंने मुवासना किया यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। ये दो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं और एक दूसरे के बिल्कुल उल्ट हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं इनका कंपैरिजन। ये एक प्लांट है, इसकी रूट से जो है वाटर ट्रेवल करके लीव्स और शूट के पास जा रहा है। लीफ में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये तीनों चीजें मिलकर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवा रही हैं। तो बदले में क्या बन रहा है? फूड और ऑक्सीजन। ठीक है, फूड जो है वो लीफ में रहती है जबकि ऑक्सीजन गैस जो है वो एनवायरमेंट में रिलीज कर दी जाती है। अब दूसरी साइड पे हो रहा है रेस्पिरेशन का प्रोसेस। यहाँ पर लीफ में क्या हो रहा है कि फूड और ऑक्सीजन जो है ये मिलकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया, वाटर जो है वो भी वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट हो गया लीफ से, और एनर्जी जो है उसको प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट एक टेबल है कंपेयरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एक तरफ पे कॉलम में और दूसरी तरफ कॉलम में है रेस्पिरेशन। तीन से चार पॉइंट्स हैं इनके जिसमें उन्होंने इन दोनों का आपस में कंपेरिजन किया है कि इनमें क्या क्या चीजें डिफरेंट हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होती है जबकि रेस्पिरेशन अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सांस लेने का जो अमल है वो तमाम जानदारों में होता है। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है वो खुराक बनाने का अमल है। रेस्पिरेशन इज फूड यूजिंग प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है वो फूड को यूज करने का प्रोसेस है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अमल में जो फूड बनी थी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उस ग्लूकोज को यूज करके ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और एनर्जी बनाई जाती है। फोटोसिंथेसिस ट्रैप्स एनर्जी टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करके ग्लूकोज पैदा किया जाता है। रेस्पिरेशन ब्रेक्स ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन जो है उस तैयार करता ग्लूकोज को तोड़ता है ताकि उसमें से एनर्जी गेन की जा सके। फोटोसिंथेसिस की वर्ड इक्वेशन उन्होंने कुछ यूं लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल गिव्स अस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जबकि रेस्पिरेशन की इक्वेशन यूं है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बिल्कुल उल्ट जो है वो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों प्रोसेसेस बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स हैं। डू यू नो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स व्हाइल रेस्पिरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट सेल। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट सेल में मौजूद जो क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि पत्ते में मौजूद है वहां पर उनमा होता है, जबकि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो हर जानदार, हर पौधे और हर एनिमल के सेल में मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहां पर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी मौजूद है और एनिमल सेल में भी मौजूद है। ये बात हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आपका होम टास्क है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है? तो इसके आंसर में मैंने आज के लेक्चर का जो पोर्शन हाईलाइट किया है वो आपने याद करना है एज द आंसर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।